हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो कभी क्या आपका मन करता है कि टॉयलेट में बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करते करते एक CS:GO का मैच लगा ले या फिर GTA 5 का एक मिशन कंप्लीट कर ले। वेल, मे बी देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू एंड मैं बात कर रहा हूँ AntPlay की, जो एक इंडिया में बनी हुई गेम स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कैसे आपकी हेल्प कर सकती है एंड मे बी क्या इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो बिना किसी देर के लेट्स तो भाई ये है क्या AntPlay? वेल, AntPlay एक गेमिंग स्ट्रीमिंग सर्विस है और वैसे तो उन्होंने अपने वेबसाइट में काफ़ी कुछ हाइपरबोल तरीके से लिखा है कि दिस इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन इंडियन गेमिंग या फिर इट्स अ क्लाउड गेमिंग सर्विस। वेल, लेकिन ये क्लाउड गेमिंग से ज़्यादा एक गेम स्ट्रीमिंग सर्विस है। तो बेसिकली इस सर्विस में आपको एक वर्चुअल मशीन दी जाती है जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल है और ये पूरी तरह एक नॉर्मल डेस्कटॉप की तरह काम कर सकती है, जिसको आप अपने फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किसी भी दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है और वो अलग अलग लेवल्स पे अवेलेबल है। वो 7 डेज के लिए अवेलेबल है, 15 डेज के लिए अवेलेबल है या फिर 1 महीने के लिए। आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं सिस्टम्स के लिए। आपको यहाँ पे क्वाडकोर सिस्टम मिलता है जिसमें एक 1660 GPU है और इसमें 16 GB RAM, नॉर्मल SSD वगैरह इंक्लूडेड है। दूसरा एक सिस्टम मिलता है जिसमें एक 6-core 11th-gen प्रोसेसर की इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस मिलेगी आपको और एक 3060 इक्विवेलेंट GPU की परफॉर्मेंस मिलेगी एंड इसको आप किसी भी नॉर्मल डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग, गेमिंग, कुछ भी करो जब तक आप इसके सब्सक्रिप्शन फीस भरते हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट है इस सर्विस को अवेलेबल कराने के लिए वो है कि आपका कनेक्शन अगर 40-50 MBPS का कनेक्शन होता है तो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा स्मूथ होगी। जैसे हम लोग टीम व्यूअर वगैरह फिर एनीडेस्क वगैरह यूज़ करते हैं ना दूसरे के, अपने दोस्त वगैरह के कंप्यूटर को चेंज वगैरह करने के लिए, सेटिंग्स वगैरह चेक करने के लिए, सेम उसी तरीके से काम करते हैं। एंड अभी फिलहाल जो करंट ये सर्विस है ये बेस्ड है पार्सेक सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा पहला एक थोड़ा सा मतलब वो है कि ये बेसिकली पार्सेक को सेल कर रहे हैं। उन्होंने PC दे दिया और पार्सेक को यूज़ करके आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये उन्होंने मुझे कहा है कि ये अपनी सर्विस अपग्रेड करने वाले हैं, पार्सेक के अलावा कुछ और यूज़ करने वाले हैं। देखते कब तक आता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है पार्सेक को मैच करना है उससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो पार्सेक फॉर द टाइमिंग इज़ अ डिसेंट ऑप्शन। अगर आपको पार्सेक यूज़ करना है तो ज़रूरी नहीं कि आपको ना ये खरीदना है, AntPlay यूज़ करना पड़ेगा। आप बिना मतलब इसके भी पार्सेक जाके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सिस्टम्स अवेलेबल है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंड उन दोनों की प्राइसिंग थोड़ी थोड़ी अलग है बिकॉज उन दोनों के बीच में स्पेसिफिकेशंस का फर्क है। 30 दिन वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो आपका जो खर्चा है फॉर द हाई एंड सिस्टम वो है 4,000 रुपए, छोटे वाले के लिए 2,000 रुपए। जनरल एक आइडिया देने के लिए अगर आप इसको साल भर यूज करते हैं ना तो आपका जो टोटल खर्चा पड़ेगा वो होगा 3060 वाले सिस्टम के लिए अप्रॉक्सीमेट 48,000 रुपीज़। और आजकल की मार्केट में 3060 अकेला, यानी 3060 अगर स्टैंडअलोन भी परचेज करने जाओगे तो आपको कम से कम 70-80,000 रुपये लगते हैं। तो मान लीजिए आपको पूरे साल भर के लिए नहीं भी चाहिए, आपको सिर्फ ना एक बार ट्राई करना है कि मैंने देखा कैसा है, तो आप 7 दिन वाला प्लान भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, 7 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसके जो मतलब मान लीजिए ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझे 7 दिन के लिए मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं अपना PC नहीं कैरी कर सकता, मेरे पास एक बेसिक सा लैपटॉप है जो गेम्स नहीं रन कर सकता, लेकिन मुझे फिर भी थोड़े बहुत अपने सिंगल प्लेयर गेम्स इन्जॉय करने हैं, आप क्या कर सकते हो? इस सर्विस को आपने अवेलेबल किया, आपने सब्सक्राइब किया सर्विस को और आपको एक पूरा फुल फ्लेज सिस्टम मिल जाएगा। तो 1660 जैसी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ FPS वगैरह या फिर 3060 जैसे FPS वगैरह आपको अपने नॉर्मल से i3 वाले लैपटॉप में मिल सकती है। लैपटॉप छोड़ के अगर आपके पास टैबलेट है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, iPad है, iPad से करो, आपके पास कोई सैमसंग टैबलेट है तो उससे करो, या फिर नॉर्मल फ़ोन वगैरह को भी यूज़ करके आप है ना सेम चीज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपके स्क्रीन पे जो विंडोज़ डेस्कटॉप आपने सेट किया था सेम वैसा वैसा आपके फ़ोन पे शो होगा और आप उसमें कीबोर्ड माउस लगा के कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी चॉइस है। अपार्ट फ्रॉम गेमर्स, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3D मॉडलर है लेकिन आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें आप मॉडल्स वगैरह ठीक से रेंडर नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक 3060 GPU है, एक 6-core CPU मिल जाता है। अगर आप हाई एंड वाला ऑप्शन लेते हैं आप वहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। मैंने वीडियो एडिटिंग ट्राई की थी, मैंने डावेंची रिजॉल्व ट्राई किया था। तो अगर आप ऐसे पर्सन है जिसके पास जिसको सीखना है लेकिन ना वो हायर एंड PC अभी अफोर्ड नहीं कर सकता लाइक 1-2 साल तक, तो यहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा बन जाता है। लेकिन ठीक है, अभी हमने एक्सेस वगैरह कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस में कैसा लगा कि मैंने लॉगिन वगैरह तो कर लिया, मेरे पास PC भी है, लेकिन उसमें यूज़ करने में कैसा लग रहा है मुझको? वेल, द सिंपल थिंग इज इट्स एक्चुअली फाइन। नॉर्मल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वाली एप्लीकेशन में चाहे डावेंची हो गया या फोटोशॉप हो गया या फिर इलस्ट्रेटर वगैरह या फिर नॉर्मल वेब ब्राउजिंग वगैरह में कोई इशू नहीं हुआ। एंड उसका रीज़न सिंपल है बिकॉज उसका जो इनपुट लैग वगैरह है ना वो जनरली फॉर नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़ वो काफ़ी ठीक है। तो मेरे एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली इसमें जो इनपुट लैग वगैरह आता है वो करीब करीब 20 से 25 MS के बीच में आता है, 20 से 25 MS आफ्टर काउंटिंग
योर माउस इनपुट लैग, योर डिस्प्ले इनपुट लैग, उसके ऊपर 30 ms या 20 ms का इनपुट लैग मिलता है, जो फॉर नॉर्मल टास्क एडिटिंग वगैरह फोटोशॉप वगैरह के लिए बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गेमिंग में ये थोड़ा सा आपको ज़रूर एक मतलब झटका लगेगा, अगर आप है ना बहुत ज़्यादा हाई एंड सिस्टम के कस्टम है तो मतलब वहाँ पे आप जैसे ही यूज़ करते हो आपको पता चलता है कि थोड़ा सा इनपुट लैग है, डिले है, और कुछ कुछ जगहों में डिपेंडिंग आपका इंटरनेट कनेक्शन या किस तरीके से आपका इंटरनेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली स्लो डाउन भी होगा। ऑलमोस्ट प्लेएबल बेरेबल, लेकिन तभी अगर आप एक कैजुअल यूज़र हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप शैडो ऑफ द टूम रेडर वगैरह टाइप की गेम खेले, प्लेटफॉर्म पर गेम्स खेल रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा यू नो एक्टिव इनपुट्स की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आप स्लो खेल सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं, तो ये इसके लिए बिल्कुल चल जाएगा, आराम से काम करता है। जो एक्चुअल शार्पनेस है वो विंडोज़ एनवायरनमेंट के लिए वगैरह ठीक है, लेकिन कुछ टेक्स्ट वगैरह जो इतना कम मतलब शार्प नहीं दिखता है, एंड उसका रीज़न सिंपल है बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ होती है क्रोमा सब सैम्पलिंग। वो आप में से कुछ लोगों को पता होगा या फिर सुना होगा आप लोगों से कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि टीवी पे जब हम लोग ना कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट करते तो टेक्स्ट इतना शार्प नहीं दिखता, तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो टेक्स्ट है वहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग रहता है तो इतना शार्प नहीं दिखता। और गेम भी है, आप चाहे फुल 1080p में भी खेल रहे हो, छोटी स्क्रीन में भी खेलो, आपको थोड़ा बहुत अनशार्प दिखता है, लेकिन वो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार गेम वगैरह शुरू हो जाए, फिर आप एक बार नॉर्मल एप्लीकेशन चलाना शुरू करते तो आप बड़ी जल्दी उसके यूज टू हो जाते हैं और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और लास्ट में मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की, इनपुट लैग चेक करने के लिए मैंने ना एम ट्रेनर डाउनलोड किया था, एम लैब्स डाउनलोड किया था, वहाँ पे मैंने गलती से एक ऐसा बटन क्लिक किया जिससे रेजोल्यूशन जो है और जो मॉनिटर है उसकी सेटिंग चेंज हो गई थी। जो पार्सर का वो कन्फ्यूज होगा, उसका दिमाग खराब हो गया, बोलते यार यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है, मैं क्या चेंज करूँ, तो वो क्रैश हो गया। अब उसकी वजह से क्या है, मैं दोबारा उसको लॉग इन नहीं कर पा रहा। आई सो आई सो 10 मिनट देखो आई सो, ये तभी मैं इसको लॉग इन कर पाया जब जो वर्चुअल मशीन थी वो एक्चुअली विंडोज़ टाइमर के अकॉर्डिंगली स्लीप पे चली गई, तब मैं इस पे जाके लॉग इन कर पाया। अब अनफॉर्चुनेटली इनके पास उस सर्वर को डायरेक्टली कंट्रोल करने का भी कोई ऑप्शन नहीं, मैंने उनको बताया तो दे वर नॉट श्योर कि इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन चलो एटलीस्ट उनको पता चल गया तो होपफुली कुछ सोल्यूशन इसका निकल आएगा। आपको एक एडवांटेज यहाँ पे और भी मिलता है बहुत स्पेशल वाला, कि इसका जो सर्वर है, जो वर्चुअल मशीन आपको मिल रही है, वो एक्चुअली कनेक्टेड है अलग से इंटरनेट से। जब आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो सिस्टम में तो आपका इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा, वो सर्वर का इंटरनेट यूज़ हो रहा है। एंड जो सर्वर की स्पीड्स है वो है 1 Gbps तक, यानी आपको 900 Mbps 950 Mbps रेगुलरली मिलती है। मैं स्टीम से गेम डाउनलोड कर रहा था तो मुझे स्पीड्स मिली थी वो थी करीब 600 Mbps 800 Mbps, जो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एडवांटेज है। अगर आपको मान लो गेम खेलना है, मान लीजिए या फिर आपको कुछ बहुत बड़ा डेटा डाउनलोड करना है उसी टाइम पे सिस्टम पे, और है ना आपके पास इतना इंटरनेट नहीं है, तो आप उस वर्चुअल मशीन को यूज़ करके वो सारा डेटा यूज़ करके वहाँ पे वर्क करके उसको अपलोड करके है ना क्लाइंट को फाइल वगैरह भेज सकते, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा यूज़ है। वैसे मैं अभी बताना चाहता हूँ कि इनकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल है, इनको और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए अपनी वेबसाइट में स्पेसिफिकेशंस के बारे में या ऑप्शंस के बारे में, और इनको स्पेसिफिकली ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि द हार्डवेयर दैट यू आर गेटिंग इज़ वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर, तो मे बी पॉसिबल है कि जो 3060 उन्होंने लिखा हुआ है उसकी जैसी फुल परफॉर्मेंस आपको ना मिले। फाइनली एक चीज़, ये बेटा में है तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, थोड़े से हिकअप्स रहेंगे अगर आप ट्राई करते हैं, तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये था मेरा एक्सपीरियंस विद AntPlay, आपको भी कुछ थोड़ा नया इन्फॉर्मेशन पता चला होगा इस टाइप की सर्विस के बारे में। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगा ना वो था फॉर फ्रीलांसर्स जिनके पास बहुत ही लो एंड हार्डवेयर है लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करना चाहते हैं, जिनको आता है हैंडल बड़े प्रोजेक्ट्स करना लेकिन उनका हार्डवेयर लिमिटेशन की वजह से वो नहीं कर पाते, तो मेरे ख्याल से अगर वो इंटरनेट के पैसे अपने इंटरनेट के पैसे दे सकते हैं और 1000-2000 रुपये खर्च कर सकते हैं महीने के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, अगर आपको ट्राई करना है मतलब आपको एक बार रहना 7 दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं आप जरूर जाके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने साथ करते रहें, मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन